अविनाश पंजाब प्रांत दा जलंधर जेड़ी की 5-5 लाख रुपया मरला जगह है उत्थे विनाश तुहानू दिखाया जा रहा है। ये कहंदे असी विकास कीता है, ए विनाश करता। कोरोना दी महामारी तो दुखी है, कोरोना दा राशन खा के तो दुखी है, कैप्टन दी सरकार तो ये गल्लां करदे है। मोदी साहब ने क्या किया? भ्रष्टाचारी लीडर मोदी साहब दा कल पुछणगे। अज तो 6 महीने पहला इत्थे कांग्रेस दे नेता लोग आए सी, इत्थे गरीब मजदूर लोगों के 2 मकान ढह गए, वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेतावां ने बना के दिते। जलंधर के DC साहब नूं भी आपां इक अद्धे दिन च मिलांगे, वो भी मिशन फतेह दीआं गल्लां करदे आ। ये मिशन फतेह नहीं, ये सिर्फ कमीशन फतेह की गल कर रहे हैं। जिहड़े कोठियां नहीं बनाएंगे उन्होंने नॉन कंस्ट्रक्शन चार्ज लगनगे। पानी च दसो तुसीं कौन गुरु गोबिंद सिंह एवन्यू च कोठी बनाएगा? भी इन्हां लोगों ने अनाउंसमेंट भी दी, पैसे देने तो बाद द्वारा भी तुम कोठियां के पैसे ले ले, तो घर तो घट इन्हों फैसिलिटी दे दौ। मैं इलाके के विधायक रजिंदर बेरी जी को यह बेनती कराँगा भी हर वे केंद्र ने भी मैं केंद्रीय विधानसभा बहुत विकास किया। बेरी साहब एक बार तुम आओ अपने इलाके च, आओ आ के देखो यह जोड़ा विकास हैगा। लोगों ने जो बिल्डिंग जीडिया ये सारिया टुटदिया पी, 36 लाख रुपया एस्टीमेट बना के पाइप पाई सी, छोटी पाइप ये तुम अगों बंद करवाती है, पता नहीं कि कारण कारण बंद कराइए, कृपा करके उन्होंने खुलवाओ। नमस्कार, हर सच्ची खबर के नाल तुसी देख रहे हो तुहाडा अपना चैनल स्मार्ट इंडिया डाय। मिशन फतेह दी जगह कमिशन फतेह दी दा ते चले कांग्रेस, बोले किशन लाल शर्मा। भारतीय जनता पार्टी दे कला संस्कृति प्रकोष्ठ दे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशन लाल शर्मा ने एक बार फिर जनता दी समस्या नु लेके प्रशासन दे खिलाफ फिर मोर्चा खोल दिता। अते उना दे नाल भाजपा प्रदेश सचिव अनिल सचन ने कांग्रेस दे खिलाफ बोलदे होए कहा कि जदो तो कांग्रेस आई है उदो तो क्षेत्र दा विकास नहीं विनाश होया है। उन्हां ने कहा अगर लोग मकान इत्थे बनांदे हन तां उन्हां नूं गंदे पानी दी समस्या नाल रूबरू होना पैंदा है, अगर लोग मकान नहीं बनांदे तां उन्हां नूं साल दा 1.5 लाख नॉन कंस्ट्रक्शन चार्ज देना पैंदा है। इस अवसर ते किशन लाल शर्मा, अनिल सचर, अजय जोशी, विनित शर्मा, मोहित सोनी, अजमेर सिंह बादल आदि मौजूद रहे। नमस्कार, हर सच्ची खबर दे नाल तुसी देख रहे हो तुहाडा अपना चैनल स्मार्ट इंडिया डायल। अज असी आए हैं जलंधर के गुरु गोबिंद सिंह एवेन्यू दे विच, जिथे कि पानी की समस्या लैके सीवरेज के पानी की समस्या लैके लोगों के बहुत ज़्यादा जिहड़ी कि परेशानी हो रही है। लोगों ने लखा रुपया ला के करोड़ा रुपया ला के इत्थे जिहड़े घर बनाए हैं वो जिहड़े कि पानी लैके खराब हो रहे। सीधियां जिहड़ियां तस्वीर असीं तुहानू दिखावांगे, आ देखो की जिहड़े कि हालात इत्थे बने हुए हैं। लोगों ने अपने लखा करोड़ा रुपए जिहड़े इनवैसटमेंट की हुई है वो सारा ही जिहड़ा कि इस पानी के करके इत्थे खराब हो रहा। इसी सिलसिले के जिहड़े लोग आ सारे इत्थे इकट्ठे हुए आ, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो कई बार उन्हां दा कहना कि असी सरकार नूं एप्लीकेशन भी दे चुके हैं लेकिन साड़ी कोई भी इत्थे जिहड़ी कि सुनवाई नहीं हुई, कोई भी इत्थे जिहड़ा कि साड़ी सार नहीं लेगी। और उन्हां दा कहना कि जिहड़ा सीवरेज का पानी है ये सिर्फ बारिश दे विच ही नहीं, उस तो पहला भी इत्थे बहुत ज़्यादा जिहड़ा कि इकट्ठा हुंदा और अगे जाके जिहड़े इत्थे सीवरेज पैप पए आ वो अगे जाके जिहड़े ब्लॉक होए पे जिहदे करके इत्थे रोड दे विच सीवरेज का पानी जिहड़ा कि बाहर आ जांदा, जिहदे करके लोगों नूं परेशानी इत्थे झेलनी पै रही आ। और असी अज गलबात करांगे इत्थे जे जिहड़े मोधवा लोग आ वो साडे नाल आ, असी उन्हां नाल गलबात करांगे, जानांगे उन्हां दी की परेशानी आ और प्रशासन नूं लै के उन्हां दी जिहड़ी की जिहड़ी नाराजगी आ। मेन होल आ जिथों पानी वग रहा है और काफ़ी बार रात नूं फोन आंदे है, उस साथी रात तों अंधेरे दे विच इत्थे डिगदे है, कुछ बजुर्ग डिगदे है, कुछ मातावां डिगदियां ने, नौजवान साथी डिगदे ने। इत्थे कोई भी घटना घट गई कौन जिम्मेवार? लाइटां देखो बंद पईआं हुंदियां रात नूं, सारियां लाइटां इस इलाके दियां बंद। ये किहड़ा ठेकेदार है? किनों महीने का हिसाब किताब जा रहा? यह भी जलंधर वासियों नूं दस्सिया जावे कि लाइटां का ठेका हैगा किहड़े बाऊ जी को है, वह भी बाऊ जी लभ ले जाण कि जलंधर का यह की हालात। जलंधर का नहीं पूरे पंजाब प्रांत का यह हालात ने, रात को कोई भी व्यक्ति इतने डिग सकता है, ये तुहानू आपां जानकारी दे रहे हैं। रोंदा है पंजाब, रोंदा है पंजाब, रोंदा है पंजाब, अज देखो कैप्टन की सरकार, कैप्टन दे MLA बड़ा बड़ा रौला पा रहे पंजाब दे अंदर विकास का। अविनाश पंजाब प्रांत का जलंधर जिहड़ी कि 5-5 लाख रुपया मरला जगह है उत्थे विनाश तुहानू दिखाया जा रहा है, रौला पाते हैं विकास का। अज पंजाब हर पास्यों दुखी है, कोरोना की महामारी तो दुखी है,
ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 2 ਮਕਾਨ ਢਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਆ ਕੀਆ? ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਲੀਡਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਓ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੱਸੇ ਸਾਬਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੀਡਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਓ, ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਆ ਕੀਆ? ਰਾਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਗਏ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਗਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਖਾ ਗਏ? ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਬੂਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ। ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਈ ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਏਗੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕੁਛ ਚਮਚੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾਰੇ ਲਵਾਉਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲੀਤਾ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਛਪਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾਰੇ ਲਵਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਹੋਊਗਾ। 117 ਸੀਟਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 MP ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਇਲਾਕਾ, ਬਲਦੇਵ ਨਗਰ ਇਲਾਕਾ, ਅਮਰੀਕ ਨਗਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਐਵਨਿਊ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ? ਅਗਰ ਆਫੀਸਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸ਼੍ਰੇਅ ਕਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਏ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਾਡੇ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਸੀ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਆਏ, ਇਹਦਾ ਸ਼੍ਰੇਅ ਨਾ ਲੈ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸ਼੍ਰੇਅ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਥਾਨੀ ਨਿਕਾਏ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮੇਅਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਮੇਅਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੇਅਰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਮੇਅਰ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਪੁੱਛੋ ਆ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। DSP ਸੈਂਟਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੇਅਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਨੇ? ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਪੁੱਛਣ। ਆਓ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਨਤਾ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਆ ਕੀਆ? ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਛਾਨਣੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲੇ? ਉਹ 900 ਚੂਹੇ ਖਾਣ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਚੁੰਡੀ ਵਧੀ ਹੈ ਨਾ ਵੱਡੀਏ, ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੁੰਡਾ ਵੱਢਿਆ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਿੱਧਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਗਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੋਤੇ ਵਾਂਗੂ ਰਟੋਂਗੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਚਿਵ ਅਨਿਲ ਸੱਚਰ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਜਾਣਦੇ ਇਸ ਜਨਤਾ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਸੱਚਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹਦੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਧਾਰਾ 144 ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ 4-5 ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਟੋਟਲ ਹੈ ਕੋਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਥਰੂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਦਾਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਨ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਲੱਗਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਠੀ ਕੋਈ ਬਣਾਉਂਦਾ ਇਸ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਐਵਨਿਊ 'ਚ ਕੋਠੀ ਬਣਾਏਗਾ?
दूसरा मुद्दा अनाउंसमेंट का भी इन लोगों ने अनाउंसमेंट भी दी पैसे देने तो बाद दोबारा भी तुम कोठियां के पैसे ले ले तो घट तो घट इन्हों फैसिलिटी दे दौ। मैं इलाके के विधायक रजिंदर बेरी जी को यह बेनती कराँगा भी हर वे कहें भी मैं केंद्रीय विधानसभा बहुत विकास किया बेरी साहब एक बार तुम आओ अपने इलाके आओ आ के देखो यह जो विकास है लोगों के जड़िया बिल्डिंग जीडिया ये सारिया टुटदिया पीना नींह पानी जा रहा है जी 36 लाख रुपया एस्टीमेट बना के पाइप पाई सी छोटी पाइप ये तुम अगों बंद करवाती है पता नहीं कड़े कारण कारण बंद कराई है कृपा करके उन्होंने खुलवाओ ता कि जो पानी का निकास है जोड़ा ये हो सके। तो मैं फिर बेनती करना इलाके के विधायक रजिंदर बेरी जी आओ एक बार अपना आगे विकास जरूर देखो गुरु गोबिंद सिंह एवन्यू जो कह रहे थे कि कोई इनकुआरी लानी है जो इन्होंने खर्चा किया इस इलाके 30 लाख रुपये 30 लाख इलाके के निवासी है पाइपा का खर्चा किया जी पिछले 6 महीने हुए जे वो 6 महीने 30 लाख रुपये लाया वो कितने गया इलाके के निवासी है इन्हों ज़्यादा पता इस बारे भी आ जो इलाके के अंदर कोई भी जी जी एक पाइप छोटी पवाती उन्होंने ठेकेदार फायदा पहुँचाने वास्ते दूसरा जिनी देर तक पर पाइप जी बंद आ खुलेगी नहीं उन्नी देर तक इस इलाके का जोड़ा वो विकास नहीं हो सकता ये पानी अद चलता रहेगा। मैं विधायक बेरी जी इस तुहाडे चैनल के माध्यम के नाले आगाह करना चाहना जे आ दो बिल्डिंगा इधर से इधर खड़िया है जे आ दो बिल्डिंगा दियां नीहां च पानी पै के कोई नुकसान हो गया जा जानी जा माली वो सारा इल्जाम नरेंद्र बेरी जी तुहाडे ते होएगा। असी पूरे कच्चे चिट्टे तुहाडे खोलांगे तुसी जो विकास कीता असी चैनलों के माध्यम के नाल जिहड़ा वो सारा सर्वजन करांगे। आओ रजिंदर बेरी जी अपना विकास आ के इत्थे देखो आ देखो अपना विकास अपना की नाम आप इतने के रहने वाले हैं। हाँ जी सर मैं इतने रहने वाला मैं भूवन लहोरिया जी हाँ तो ये पानी की तंगी काफ़ी चिर तो आ रही है सर कितना टाइम हो गया इस तंगी को 1.5 साल हो चुका है इस काम ठीक है जब सर इतने प्लाट कट्टे थे जब तुम जमीन लिया से उदो यही माहौल सगा इतने नहीं उदो ठीक सगा बाद जो सीवरेज इतने बने उस तो बाद प्रॉब्लम आई है ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा तंग कर रही है हूँ आने वाले बरसाती मौसम के बहुत ज़्यादा तंग करेगी दिनों दो दिन टोए भरी जाते पे देखी जाओ तुम एक आ टोआ भरया दो तीन होर भर चुके हैं शायद एक अद्धी बारिश हो रहेगी ओवरफ्लो ज़्यादा हो जाएगा पानी तो सर जो सीवरेज तुम कह रहे पे पिया है कनैक्शन नहीं किया गया अगर सर किया नहीं किया सू पता नहीं पानी नहीं अगे जा रहा इन्ना सू कोई अधिकारी सर इतने आके ताली सार नहीं पूछी किसी ने कि कंप्लेट नहीं की सर कंप्लेंटा बहुत हो रही डेली हो रही पर कोई आ नहीं रहा ठीक है जी। दोस्तों देखते रहो हर सच्ची खबर लिए अपना चैनल स्मार्ट इंडिया डायल और सच्ची खबर देखने लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और बैल बटन दबाओ ताकि हर सच्ची खबर तुहाडे को सब तो पहला पहुंचे। थैंक यू।